Hi friends, welcome again to my channel. My name is Nens Shramini Arora, fashion stylist and a beauty expert and a big foodie. और खाना बनाने में मुझे बहुत मन लगता है और मेरा मन करता है मैं सबके साथ शेयर भी करूँ उसकी ट्रिक्स. सो आज मैं बनाने जा रही हूँ टोमेटो चिकन. टोमेटोज़ की तो क्या बात ही है, और अगर वो चिकन के साथ मिला दिया जाए तो सोचिए कितनी यमी अमेजिंग डिश तैयार हो जाएगी. सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी मेकिंग टोमेटो चिकन. चिकन बनाने के लिए, टोमेटो चिकन बनाने के लिए अब तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि टोमेटो चिकन, टोमेटोज़ का नाम लेते ही मुँह में पानी आ जाता है, और उसके साथ अगर चिकन भी हो तो क्या कहने. आज चिकन टोमेटो बनाने के लिए मैंने जो सामान इकट्ठा किया है वो है सबसे पहले तो एक चिकन, साथ में आपने टोमेटो की प्यूरी तैयार कर ली है, और साथ में कुछ प्याज, दो प्याज मीडियम साइज़ के, उनको छोटा छोटा महीन पीस लें. और याद रखें कि टोमेटो कम से कम 7-8 टोमेटोज, और वो भी लाल लाल होने चाहिए इस टोमेटो चिकन को बनाने के लिए. और साथ में लिए मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार किया है, और साथ में ये है कुछ मक्खन के पीसेस लिए हैं मैंने. आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं, देसी घी में बना सकते हैं, और मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नमक, लाल मिर्च, और साथ में मैंने हल्दी ली है, ये स्वादानुसार आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही लीजिएगा. और साथ में मैंने ये लिया है छोटी इलायची 4-5 पीसेस, और एक दो छोटा टुकड़ा दालचीनी का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन टोमेटो बनाने की तैयारी. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पैन को गरम कर लिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मक्खन, और मक्खन को पिघलने देते हैं, और उसके बाद जैसे ही मक्खन पिघल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे ये दालचीनी और जो इलायची मैंने अलग की थी. तो ये मक्खन गल गया है, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें दालचीनी और छोटी हरी इलायची. इसको पकने देते हैं, अब हम डाल रहे हैं कटे हुए प्याज, तो थोड़ा सा भूनना है अच्छे से. सो फ्रेंड्स, ये प्याज हल्के लाल हो गए हैं, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ में हल्दी, नमक मैं बाद में डालूंगी, और मैं साथ में एक बहुत ही बढ़िया नमक के लिए आपको टिप देने वाली हूँ साथ में. सो जुड़े रहिए जब तक ये चिकन तैयार हो रहा है. तो फ्रेंड्स, देखिए 2 मिनट हो गए हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च ने कितना सुंदर कलर दिया है प्याज को. और अब मैं डालने वाली हूँ इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट. थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और मिलाते जाइए. अच्छे से मिला लीजिए और इसको 2 मिनट के लिए पकने दीजिए. तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से पका लिया है, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ टोमेटो प्यूरी.
अच्छे से मिक्स कर लें बढ़िया से। और साथ में बता रही हूँ मैं आपको अपना वो टिप, और वो टिप ये है कि कभी भी कोई डिश बनाते हैं तो आप टोमेटोज को ऐड करने के बाद ही नमक डालें, बिकॉज उससे आपकी डिश का फ्लेवर एनहांस होता है और डिश के अंदर बहुत ही उम्दा टेस्ट डेवलप होता है। पहले नमक डाल देने से डिश में एक अजीब टाइप का फ्लेवर ऐड हो जाता है, इसलिए ऑलवेज टोमेटो के बाद ही नमक को ऐड करें। सो फ्रेंड्स देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि सारे टोमेटोज अच्छे से पक गए हैं और इतना अच्छा लाल रंग आया है। कश्मीरी मिर्च डालने का पर्पस ये होता है इसमें कि टोमेटोज का ये चिकन है और चिकन लाल दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें चिकन के पीसेस और अच्छे से इनको मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें आधा कप पानी मिलाने वाली हूँ। आधा कप पानी मिलाने के बाद आप इसको ढक कर रख देंगे पकने के लिए। तेज आंच पर मैं इसको ढकने जा रही हूँ 15 मिनट के लिए। सो देखिए अब चिकन गल चुका है और टमाटर के अंदर जो हमने पानी डाला था चिकन के अंदर, उस पानी को अब हमको फुल आंच पर, तेज आंच पर उस पानी को सुखाना है। तो फ्रेंड्स देखिए चिकन का पानी सूख गया है और कितना अच्छा सुंदर कलर आया है, 100% पक गया है चिकन। और टमाटर की प्यूरी और चिकन आपस में एक दूसरे में समा गए हैं और बहुत ही सुंदर अमेजिंग अरोमा आ रहा है मेरे आसपास। सो दिस टोमेटो चिकन आप जरूर घर पर ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। और कमेंट सेक्शन में जरूर अपडेट करें कि कैसे आप ने इस फ्लेवर को महसूस किया, बनाया और इसको गार्निश करिए ग्रीन हरी मिर्चों से। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको न्यू अपडेट्स के नोटिफिकेशंस जाते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।